हमारे YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंच जाए। मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तनाव अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हो पाया था कि शिवसेना भाजपा में एक बार फिर आमने सामने आ गई है। भाजपा के स्थानीय नगर सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिवसेना के नगर सेवकों ने भाईंदर के ASP अतुल कुलकर्णी से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना नगर सेवकों के साथ भाजपा की महिला नगर सेविका गीता जैन ने भी स्थानीय किसानों के साथ ASP के दफ्तर पहुंच गई और कार्रवाई करने की मांग करने लगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में शिवसेना के MBMC विपक्ष नेता राजू भोईर ने जानकारी देते हुए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से बताया कि कुछ दिनों पहले स्थानीय आमदार और वहां के स्थानीय नगर सेवक सत्ताधारी BJP पक्ष के, इन्होंने वहां पर मीटिंग लेके लोगों को गुमराह किया और जताया कि प्रशासन महानगर पालिका यहाँ पर DP रोड बना रही है। तो लोगों ने वहां पर विरोध तो किया ही था, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती से लोगों का बात मानी नहीं और वहां पर रोड बनाया और उस बात को हो गए बहुत सारे दिन। उसके बाद में आज लोगों को तहसीलदार ऑफिस से नोटिस आया कि आपके ऊपर रीति भराव किया है आपकी जगह में, इसलिए इतना आपको इसका पैसा भरना पड़ेगा। तो हमारे गांव के जो राई मोरवा मुर्दा वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको ये नोटिस देके पहले तो उन लोगों को एकदम डर हो गया कि बोले ये कैसे हो गया, ये तो प्रशासन महानगर पालिका रोड बना रही थी। तो उनको ये फंसा के उनके ऊपर दबाव डाल के रोड जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो प्रतिनिधि है उन्होंने जो काम किया। तो हमारी मांग ऐसी थी, आज हम लोग हमारे शहर जिला प्रमुख प्रभाकर मात्रे और वहाँ के स्थानीय लोग हम लोग जाके कुलकर्णी साहब को मिले और हमने जो वहाँ पर जिन्होंने भरनी करवाई है उन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हो ऐसे मांग की है। और उन्होंने बोला है कि मैं तहकीकात करके हम उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। तो ये आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है। लोगों के सामने ये बातें हुई है और ये बात सामने होने के बावजूद अगर लोगों के ऊपर ऐसा नोटिस निकाला जाता है तो इसका जवाबदारी कौन? नगर पालिका ने लिखित में दिया है कि हमारी तरफ से काम नहीं हो रहा है। तो जो वहाँ पर सत्ताधारी नगर सेवक थे उनका ही कुछ तो भी मिली भगत थी, उनका ही कुछ फायदा था या शायद उनको जगह हत्याने का था, हड़पने का था, इसलिए उन्होंने ये सब ऐसा किया है। और जो लोगों को फंसाने का कोशिश किया है, हमारे खासदार राजन विचारे साहब ने और हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने, इन दोनों ने, दोनों हमारे नेताओं ने इस बात के ऊपर आदिक पाटिल जो हमारे यहाँ के तहसीलदार है उनसे डायरेक्टली बात किया और उनको बोला है कि ये जो लोगों को फंसाया गया है जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर आप भी कड़क से कड़क एक्शन ले। और ऐसा भी बोला है कि जो नोटिस दिए वो सारी नोटिस उनसे रिवर्स लेके जिन्होंने भरनी किए उन लोगों के ऊपर वो सब जुर्माना आना चाहिए। देखिए शिवसेना वहाँ के लोगों के साथ में पहले से भी थी, अभी भी रहेगी। लोगों को जो दिशा भूल करके भरनी किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने हमारे नेताओं को दी है, राजन विचारे साहब और आमदार प्रताप साहब ने। उनको देने के बाद हमारे यहाँ के SP अतुल कुलकर्णी साहब को भी ये सब बारे में पता है। अगर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग सब रोड पे उतरेंगे, वहाँ की पूरी जनता को लेके शिवसेना उनके साथ में खड़े रहेगी और आंदोलन करेगी और गुनाह दाखिल करने के लिए मजबूर करेंगे हम लोग। ये थे शिवसेना के विपक्ष नेता राजू भोईर जो बता रहे थे कि वो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑन रिकॉर्ड को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाईंदर पश्चिम के राई मुर्दा नामक गांव में किसान यहां पर बरसों से खेती करते आ रहे हैं। कुछ महीने पहले यहां पर स्थानीय भाजपा नगर सेवकों ने गाँव वालों को DP प्लान का कहकर उनकी ज़मीन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और करीब 700 मीटर लंबी और 18x20 मीटर चौड़ी जगह पर अवैध रूप से मिट्टी भरने का काम भी शुरू हो गया। गांव वाले किसान भी यही सोचते रहे कि गांव का विकास हो रहा है, परंतु थाने तहसीलदार ने अवैध रूप से मिट्टी भरने के जुर्म में जब 117 लोगों को 76 लाख रुपए पेनल्टी भरने का नोटिस थमाया तब स्थानीय गाँव वालों के कान खड़े हो गए और उन्होंने सबसे पहले स्थानीय शिवसेना नेताओं को इस पूरे मामले की हकीकत बताई।
इस पूरे मामले की खबर जब भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका गीता जैन को पता चली तब वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हो गई और एक डेलीगेशन की शक्ल में इन्होंने सब ने मिलकर आज भाईंदर ASP अतुल कुलकर्णी से मुलाकात करके दोषियों पर कार्रवाई करने और जिन लोगों ने मिट्टी भरनी की है उन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करने की मांग की, जिस पर ASP अतुल कुलकर्णी ने बाधितों का जवाब लेने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन डेलीगेशन को दिया था। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने में शिवसेना को कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस एडिशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।